हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवकाश प्रकरणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे शिक्षक साथी अवकाश को लेकर कंफ्यूज में बने रहते हैं अधिकतर, क्योंकि इसमें क्या है कि सिमिलरिटी नहीं है। प्रोबेशनल ट्रेनिंग के लिए आकस्मिक अवकाश के रूल अलग होते हैं और जो नियमित शिक्षक साथी हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई डाउट आपका शेष रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई ज़रूर देता हूं। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए, कितने आकस्मिक अवकाश कैसे लेने होते हैं, टोटल कितने मिलते हैं, प्रोबेशनल पीरियड वालों को कितने मिलते हैं, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट इसमें बहुत इजी तरीके से मैंने कवर किया है। तो चलिए मैं स्क्रीन लगाकर आपको ये सब दिखाकर आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है अवकाश प्रकरणों पर वार्ता। ये हमारा टॉपिक आज के लिए रहने वाला है और इसमें विशेष रूप से जो हमने कवर किया है वो किया है आकस्मिक अवकाश यानी CL को। इनको पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है और उम्मीद है कि आपके सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है उपस्थिति रजिस्टर यानी स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर में कार्मिकों के नाम एवं पदनाम पदवार क्रमवार लिखें। इसको इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे विद्यालय में एक स्कूल इंचार्ज का पद होता है, मिडिल में और प्राइमरी या सेकेंडरी में HM का पद होता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे ऊपर स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर में प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर हमारे लेक्चरर। अब लेक्चरर में भी कैसे लिखा जाना होता है, सबसे ऊपर उनका नाम लिखना होता है जो लेक्चरर में सबसे सीनियर है, फिर उसके नीचे उनसे कम सीनियर, फिर उनके नीचे उनसे कम सीनियर, फिर उनके नीचे उनसे कम सीनियर। तो इस तरह से लेक्चरर के सभी के नाम आ जाएंगे। फिर उनसे नीचे वरिष्ठ अध्यापक, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा वो सबसे ऊपर रहेगा वरिष्ठ अध्यापक की लिस्ट में, फिर उनसे कम सीनियर, फिर उनसे कम सीनियर, फिर अंत में तृतीय श्रेणी अध्यापक। तृतीय श्रेणी में जो सबसे वरिष्ठ है उनका नाम सबसे ऊपर, फिर उनसे नीचे कम सीनियर। ऐसे हम पूरा पदवार उनको क्रम देते हुए स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर में लिख देंगे। यह काम हमारे प्रधानाचार्य जी या HM का होता है, तो ये मैनेज बहुत सारे को बहुत अच्छा रूल पता होता है तो वो कर देते हैं। जहाँ पर कोई किसी को मतलब कई संस्था प्रधान की पोस्ट खाली है और चार्ज मिला हुआ है तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। दूसरा है उपस्थिति रजिस्टर में CL खाता प्रति माह संधारित किया जावे, यानी स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर में जो CL का अकाउंट है वो हर महीने संधारित होना चाहिए, हर महीने अपडेट किया हुआ होना चाहिए। शाला कार्यालय निरीक्षण के समय सर्वप्रथम उपस्थिति रजिस्टर की जांच होती है, इसलिए इसे पूर्ण रखा जाना आवश्यक है। यदि हमारी स्कूल को कोई हाई अथॉरिटी या बाहर से अधिकारी चेक करने आते हैं तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हमारा जो स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसी को देखते हैं। तो इनकी पूर्तियां कंप्लीट रखें। चौथा पॉइंट है हमारा परिविक्षा काल में लगने वाले कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश ही दे हैं। जो प्रोबेशन में हमारा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, उनको जो CL है वो डेट टू डेट मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपकी ज्वाइनिंग डेट से नेक्स्ट सेम डेट तक आपको 12 CL मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवें पॉइंट के अंदर कवर किया है दोस्तों मंत्रालयिक कार्मिकों को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 15 CL दे हैं। हमारे विद्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों के भी पद होते हैं तो उनका जो CL है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता है, यानी उनका CL कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग चलता है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक टोटल 15 CL मिलेगी मंत्रालयिक कर्मचारियों को।
अब जो टीचिंग स्टाफ होता है यानी जो शिक्षक वर्ग होता है उनके आकस्मिक अवकाश 1 जुलाई से 30 जून तक 15 CL दे हैं, यानी जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, शैक्षणिक स्टाफ है, उनका जो CL स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से होता है और नेक्स्ट 30 जून तक वो 15 CL उनको टोटल दे होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ काफ़ी सारा वेरिएशन है। प्रोबेशन में जो CL मिलती है वो 12 मिलती है और आपकी प्रोबेशन में ज्वाइनिंग डेट से नेक्स्ट सेम डेट तक आपको 12 मिलेगी। मिनिस्ट्रियल जो कार्मिक है उनको CL 15 ही मिलेगी, लेकिन वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है, और शैक्षणिक जो स्टाफ होता है शिक्षक वर्ग उनको 1 जुलाई से 30 जुलाई तक 30 जून तक 15 CL दे हैं। अब आगे CL के साथ अन्य अवकाश जैसे PL या HPL या अदे या अन्य कोई भी प्रकार का अवकाश दे नहीं है, इस पॉइंट को साफ साफ क्लियर किया है दोस्तों। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि CL के साथ में कोई भी अवकाश दे नहीं है, चाहे वो PL हो, चाहे HPL हो, चाहे अदे अवकाश हो यानी अवैतनिक अवकाश हो, यानी इनको हम CL के साथ में नहीं ले सकते। सातवें पॉइंट के अंदर है CL नव नियुक्त कार्मिकों को उनके कार्य ग्रहण की दिनांक से प्रत्येक माह के औसत के बराबर दे हैं। इसको मैंने यहाँ भी समझा दिया, यहाँ और क्लियर कर देता हूँ। नव नियुक्त कार्मिक जो प्रोबेशन में आते हैं उनको उनके कार्य ग्रहण की दिनांक से प्रत्येक माह के औसत के बराबर दे हैं, यानी ज्वाइनिंग डेट जैसे मान लीजिए 21 जुलाई है किसी कार्मिक की, तो उसको 21 अगस्त तक 1 CL मिल जाएगी, यानी ऐसे उनको टोटल 12 महीने की 12 CL मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए होंगे। आठवें पॉइंट के अंदर है कि यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके शेष माह के अनुरूप ही CL दे हैं। जैसे कार्मिक जून में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको एक माह में 1.25 CL के हिसाब से दे हैं। देखिए दोस्तों, अगर वो टीचिंग स्टाफ है तो हमारी जो आकस्मिक अवकाश है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून तक चलते हैं, तो अब ये जून में सेवानिवृत्त हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये स्थायी कर्मचारी है, इनको 15 CL टोटल मिली होगी, तो जो भी बकाया है वो जून तक ये उपभोग कर सकते हैं। और यदि किसी की मान लीजिए कि अगस्त लास्ट को यानी 31 अगस्त को किसी का रिटायरमेंट है, तो फिर उनको जुलाई और अगस्त यानी 1.25 के हिसाब से 2.5 CL उनकी बन जाएगी, तो 2.5 CL वो अगस्त तक ले सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका अच्छे से क्लियर कर दिया है। पॉइंट नंबर 9 है ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी समर वेकेशन, दीपावली वेकेशन और विंटर वेकेशन के साथ में CL अवकाश दे नहीं होगा, यानी CL के साथ और कोई अवकाश नहीं ले सकते, और CL समर, दीपावली और विंटर वेकेशन के कंटिन्यू में भी नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 10, CL अवकाश का पृथक से रजिस्टर संधारित होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कार्मिक ने कितनी CL ली है वो कितनी शेष है। तो ये आपके स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर में इसका कॉलम रहता है, उनको आप मेंटेन करते हुए चलिए। संस्था प्रदान CL मंजूर करने के पश्चात रजिस्टर में इंद्राज को प्रमाणित करेगा। पॉइंट नंबर 11 है दोस्तों, CL अवकाश एक मुश्त 10 दिनों तक ही देय होता है। बहुत से साथियों का प्रश्न होता है कि हम एक साथ में कितनी CL ले सकते हैं, तो इसको भी पॉइंट नंबर 11 में मैंने क्लियर कर दिया कि एक साथ आप 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हो। पॉइंट नंबर 12 है CL को आधे दिन का भी लिया जा सकता है, यानी साथियों का कईयों का प्रश्न आता है, कई कमेंट भी आया हुआ है कि क्या हम हाफ डे का CL ले सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। और पॉइंट नंबर 13 और अंतिम पॉइंट है 1 जुलाई का CL दे हैं, यदि आप 1 जुलाई को CL लेते हैं तो आपकी वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी वेतन वृद्धि का नगद भुगतान 1 जुलाई से ही मिलेगा, आपको CL अवकाश दे हैं। पहले जब गर्मियों की छुट्टियां 30 जून तक होती थी तब
समर वेकेशन के साथ 1 जुलाई को अवकाश, आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते थे, लेकिन अब हमारी जो छुट्टियां हैं वो 23 जून तक कर दी है। तो ऐसे में हम 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। और इसका मैं एविडेंस भी दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा है rajgyan.coin। यहाँ पर देखिए दोस्तों, rajgyan.coin जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक्सेल सीट पर, श्री हीरा लाल जाट की एक्सेल सीट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर साफ फॉर्मेट दिख जाएगा। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इंक्रीमेंट 2024 एक्सेल सीट पर आप जब आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये इसको आपको सेव करके और जब आप देखेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको अभी। यहाँ पर आपके एक एविडेंस हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है साथियों के। तो यहाँ पर ये ओपन हो रही है, इसको ओपन होने देते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कार्यालय आदेश का इन्होंने फॉर्मेट दिया है। ये है कि कहीं स्कूल का नाम है जिन्होंने ये बनाई है, और ये वेतन वृद्धि का फॉर्मेट ही है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ आपको कि वेतन वृद्धि दिनांक को कार्मिक के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश पर होने की स्थिति में वेतन वृद्धि का लाभ अवकाश से लौटने की तिथि से दे होगा। यानी यहाँ ये साफ साफ कह रहा है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त यदि कोई और दूसरा अवकाश है तो फिर वेतन वृद्धि का जो नकद लाभ है वो लौटने की तिथि से दे होगा। यानी कुल मिलाकर आकस्मिक अवकाश 1 जुलाई को यदि आप ले लेते हैं तो आकस्मिक अवकाश से आपकी वेतन वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टाफ साथी होते हैं यानी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है वो यहीं से डाउनलोड करके ये जो टीचर्स के नाम है इनको हटा के ये डिटेल हटा के भर देते हैं और इस फॉर्मेट को ही अधिकतर यूज करते हैं। तो यहाँ इसमें ये चीज़ साफ साफ भी लिखी हुई है। तो ये एक एविडेंस भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आकस्मिक अवकाश से संबंधित कन्फ्यूजन था वो कंप्लीट दूर हो गया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथियों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो रेगुलर इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।